गर्ल और इंटेलिजेंट। तो देखने में ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, कुछ एरर आपको जरूर मिलेगी। जैसे इसकी हिंदी बनाते हैं अपने, ईच बॉय क्या हो गया, प्रत्येक लड़का, एंड एवरी गर्ल प्रत्येक लड़की, आर इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमको दिख रहा है कि दो सब्जेक्ट दिए इसके अंदर, देखो एक तो बॉय हो गया और एक गर्ल हो गया और ये एंड से जुड़ गया, तो अपने इसको क्या है बहुवचन मान लेते हैं और जो आर लगा आप सही मान लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या है बिल्कुल ही बाकी रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है, देखो कि ईच बॉय प्रत्येक लड़का एंड एवरी गर्ल, मान लो एक नाउन ईच से जुड़ गया एंड आ गया और एक एवरी जुड़ गया, तो रूल क्या होता है कि जो अपने हैप्पी वर्ब है वो क्या है सिंगुलर लगाते हैं, तो ईच क्या ये गलत होगा, यानी आर क्या ये गलत होगा, इसकी जगह क्या लगेगा अपना ईच लगेगा, यानी वाक्य शुद्ध होगा ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। सेकंड वाक्य आपका है ईच मैन एंड एवरी वुमेन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर भी देखो देखने में सही लग रहा है, यानी ये भी फर्स्ट जो रूल है वो ही इसके अंदर क्या फॉलो होगा, ईच मैन, मैन के आगे ईच आ गया एंड वुमेन के आगे भी एवरी आ गया, कि अपने क्या अपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे, यानी यहां पर क्या आएगा अपने ईच का यूज होगा पहले की तरह, मतलब एंड से अगर जुड़ गया ईच और एवरी एंड से जुड़ गया तो सीधा रूल है कि इसकी हेल्प हो गया सिंगल राइज, मतलब शुद्ध वाक्य होगा ईच मैन एंड एवरी वुमेन इज प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड वाक्य देखते हैं अपने, योर फादर एंड माय अंकल आर गोइंग टू पटना, देखो वाक्य देखने बिल्कुल ही सही लग रहा है, ये गलत हो नहीं सकता है, हिंदी क्या बन रही है कि आपके पिताजी और मेरे अंकल पटना जा रहे हैं, लेकिन ये भी गलत, देखो थोड़ा सा सेंस देखते हैं इसके अंदर, योर फादर भी तुम्हारे पिताजी, वो क्या मान लो किसी के पिताजी आपके अंकल भी हो सकते हैं, मतलब ये इसके अंदर क्या है, इस बाकी के अंदर एक पर्सन का बोध हो रहा है दो का नहीं हो रहा, थोड़ा ध्यान से आप डीपली सोचोगे कि बाकी का देखो योर फादर भी आपके पिताजी, माई अंकल मेरे अंकल, मतलब क्या है आपके पिताजी मेरे अंकल भी हो सकते हैं, मतलब पर्सन वो एक है ना, तो अपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लुरल क्यों लगाएं, यहाँ पर क्या सिंगुलर लगाएंगे, ये भी क्या गलत मानी जाएगी, यानी रूल के अकॉर्डिंग क्या मान लो आपका सब्जेक्ट योर से शुरू होता है, हिज से शुरू हो जाए या हर से शुरू हो जाए, एंड से जुड़ जाके मान लो कोई नाउन आ जाए, नाउन स्पेल माई आ जाए, अन्य चीजें आ जाए, तो अपने क्या है हेल्पिंग जो वर्ब है, जो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है सिंगुलर हो जाती है, मतलब यहाँ पर आर इज क्या ई जाएगा, यानी आप समझ गए होंगे योर फादर एंड माई अंकल इज गोइंग टू पटना, मतलब वो क्या एक ही पर्सन माना जाएगा ना कि दो माने जाएंगे, तो अपने यहाँ पर क्या इज लगाएंगे। अगर देखो वेन आई विल रीच दिल्ली, हिंदी बन रही है इसकी, बाकी मान लो अपने अलग करते हैं कि जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा आई विल कॉल यू, मैं आपको क्या ब्लॉग भेज दूंगा या कॉल कर दूंगा, तो देखने में तो अपने ये वाक्य सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या एरर है, कहने का तात्पर्य भी मान लो जब वैन से वाक्य स्टार्ट हो, ठीक है, तो वैन के साथ वाला जो वाक्य है वो हमेशा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अपने यूज करेंगे, ठीक है, और जो अगला वाक्य है वो क्या है फ्यूचर इंडेफिनेट हो सकता है, तत्पर है कि जो विल लगाया वो क्या कट जाएगा, मतलब ये विल क्या है बिल्कुल रॉन्ग है, अपने विल को काट देंगे तो वाक्य अपना क्या बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, वाक्य क्या बनेगा वेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू, इससे मिलता जुलता क्या नेक्स्ट वाक्य है वो भी सेम इशू फॉलो करेगा, जैसे वेन आई विल फिनिश दिस वर्क, हिंदी बन रही है कि जब मैं ये कार्य समाप्त करूंगा आई विल स्टार्ट योर वर्क, मैं आपका कार्य क्या शुरू कर दूंगा, देखने वाक्य ये सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर वही रूल फॉलो होगा कि मान लो वैन से जुड़ा हुआ वाक्य है तो वैन के बाद अपने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे और उसके बाद अपने फ्यूचर इंडेफिनेट यूज होगा, कहने का मतलब यहां पर क्या है ये विल क्या गलत है, शुद्ध वाक्य होगा वैन आई फिनिश दिस वर्क आई विल स्टार्ट योर वर्क। अगला वाक्य है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो इसके अंदर भी एक गलती छुपी हुई है, थोड़ा ध्यान देखना भी क्या धीरे चलो और क्या दृढ़ता चलो तो क्या रेस जीती जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें गलती है क्योंकि ये क्या एक प्रकार से क्या एक मुहावरा टाइप है, तो अपने इसको भी क्या है सिंगुलर मानेंगे, इस सब्जेक्ट को क्या मानेंगे सिंगुलर मानेंगे क्योंकि मुहावरा टाइप है, तो इसको भी क्या है सिंगुलर ही यूज करेंगे, क्योंकि जो जो वर्ब होती है जो मेन वर्ब होती है वो मूल अवस्था के अंदर क्या है प्लुरल होती है, तो इसको अपने सिंगुलर बनाएंगे, मतलब अपना सब्जेक्ट है वो क्या है सब्जेक्ट ये मान सिंगुलर है तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा विंस आएगा ना कि विन आएगा, मतलब कोई भी मुहावरा टाइप वाक्य आ जाए तो उसको अपने क्या सब्जेक्ट को क्या सिंगुलर मानते हैं ना कि
प्लुरल मानते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर ही आएगी। इन आगे देखते हैं अपने, जैसे वाक्य अपना है मोहन डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो वाक्य की हिंदी बन रही है कि डॉक्टर आने से पहले यानी मोहन क्या मर गया, तो इस वाक्य के अंदर क्या थोड़ी एरर है। एक रूल होता है कि अगर बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले हैड प्लस वी थ्री लगती है और बिफोर के बाद में वी टू लगती है, तो ये क्या है बाकी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये रूल क्या है बाकी क्या गलत है। तो अपने क्या है यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपने यहाँ पर हेड होगा, हेड यूज होगा तो बाकी शुद्ध हो जाएगा। अगर मान लो आफ्टर आ गया, मान लो कल्पना करो कि बिफोर की जगह क्या आ जाता, आफ्टर आ जाता है, इस उल्टा हो जाता है, यानी आफ्टर इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या लग जाती है वी टू लग जाती है और इस साइड में क्या हैड प्लस वी थ्री लग जाता है। यानी बिफोर आने से तो पहले अपने हेड वी थ्री लगी, फिर मान लो आफ्टर आ गया तो पहले क्या वी टू लगेगी, मतलब शुद्ध क्या होगा मोहन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला वाक्य है माई क्लास टीचर हैड फिनिश हर टास्क। देखो देखने में लगता है कि वाक्य क्या सही है, ये वाक्य वैसे शुद्ध भी माना जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ एरर मानते हैं कि जो मेरी क्लास टीचर ने वो क्या अपना क्या जो कार्य था वो समाप्त कर लिया, अपना टास्क पूरा कर लिया है, लेकिन इसके अंदर अपन जो हर यूज किया है वो अपने को मतलब इसके अंदर जेंडर पता नहीं लग रहा कि जो आपका क्लास टीचर है वो मेल है या फीमेल है। अगर मान लो आपको पता ना चले कि आपका क्लास टीचर मेल है फीमेल है तो आप इसको क्या मेल ही मानते हैं, यानी मतलब अपने हर वाक्य में उसको मेल मानेंगे और यहाँ पर क्या हिच करेंगे। वैसे वाक्य शुद्ध है लेकिन क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या गलती मानी जाती है, यानी अपने इसको क्या मेल ही मानेंगे, अपने हिच ही लिखेंगे, तो ये क्या 100% शुद्ध होगा। अगला वाक्य अपना है मोस्ट ऑफ द वर्क आर फिनिश्ड। देखो मोस्ट ऑफ द वर्क आर फिनिश्ड भी अधिकांश कार्य क्या है समाप्त हो चुका है, यस अधिकांश कार्य क्या समाप्त हो गया है, इसके अंदर भी क्या एरर है। देखो वर्क आ गया ठीक है, सिंगुलर आ गया, अगर मोर से जुड़ा हुआ है तो इसको अपने सिंगुलर करेंगे या फिर क्या अपने इज का यूज करेंगे ठीक है। जो वर्क होता है देखो अपने को इसको कार्य को अपने बांट सकते हैं, दो कार्य चार कार्य दस कार्य कर सकते ठीक है ना, तो वर्क को क्या अपने सिंगुलर ही मानेंगे। इसी प्रकार अगला जो है वाक्य है कि लॉट्स ऑफ द मिल्क हैव बीन टेकन बाय राम, ये अधिकांश दूध है वो राम के द्वारा क्या लिया जा चुका है, इसके अंदर भी एरर है। देखो क्योंकि ये है क्या गलत है, क्योंकि दूध को भी अपने क्या सिंगुलर ही मानेंगे, इस तरह किसी एक दूध दो दूध तीन दूध या ऐसे अपने नहीं गिन सकते इसको ठीक है ना, तो ये क्या एक कलेक्टिव नाउन है, एक प्रकार से पदार्थवाचक मटेरियल नाउन है, तो क्या यहाँ पर क्या हिज आएगा, हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाक्य है मोहन प्ले क्रिकेट। देखो ये वाक्य भी अपने को देखने शुद्ध लग रहा है, देखो ये गलतियां आपकी जरूर आती है बॉडी क्लास में या अन्य कंपटीशन के अंदर कि मोहन प्ले क्रिकेट, इसके अंदर भी मैंने आपको पहले वाक्य बताया था कि अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपने जो मेन वर्ब उसको सिंगुलर ही अपने करेंगे, तो अपने क्या है यहाँ पर क्या है इस वाक्य के अंदर क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल लगेगा। देखो मोहन अपना क्या है सिंगुलर है, मोहन एक है ना, या फिर मोहनो तो लिखा नहीं, मोहन एक है, तो जो मैंने पहले आपको बताया कि जो वर्ब होती है मूल अवस्था में, जैसे यहाँ पर प्ले है, प्ले हो गया, मान लो ईट हो गया ठीक है, टीच हो गया ठीक है, रीड हो गया, लर्न हो गया, जो ये वर्ब होती है मूल अवस्था में ये हमेशा क्या बहुवचन होती है, प्लुरल होती है, अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या ये जो प्ले है जो वर्ब है ये क्या है आपकी बहुवचन है, तो इसको अपने सिंगुलर करेंगे, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो अपने यहाँ पर क्या प्लेज लिखेंगे, अगर हम प्लेज लिखेंगे वाक्य क्या बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगा, यानी बिल्कुल क्या ट्रू सत्य हो जाएगा, यानी शुद्ध वाक्य होगा मोहन प्लेज क्रिकेट ना कि मोहन प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य इसका एंटी है, देखो दे इट्स एप्पल्स, दे इट्स एप्पल्स, यहाँ पर देखो दे है देखो मतलब वे, यानी वे क्या सेवों को खाते हैं, तो वे मतलब कई सारे हो गए, तो यहाँ पर देखो इट्स ये क्या हो गया अपने जो मूल अवस्था में वर्ब होती है वो प्लुरल होती है, यहाँ पर इट्स यानी छेड़छाड़ की अपने वर्ब को आगे बढ़ाया है, तो वर्ब क्या सिंगुलर होगी, क्या होगी ये सिंगुलर, तो गलत हो गया ना, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पर फॉलो ही नहीं हुआ। अगर मान लो ये रूल के अकॉर्डिंग होता है कि अगर ये मान लो प्लुरल है तो वर्ब भी क्या प्लुरल आनी चाहिए, तो गलत हो गया ना, ये क्या प्लुरल है वर्ब सिंगुलर है तो ये गलत हो गया वाक्य, तो यहाँ पर क्या होगा ईट आएगा, ओनली ओनली ईट आएगा, शुद्ध वाक्य होगा दे ईट एप्पल।